हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट हमारे लिए प्री के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू मेंस। मेंस में द प्रेसिडेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। तो बेसिकली उस पे जो है पावर्स वगैरह पूछी जाती है प्रेसिडेंट की क्या है, और कुछ ज्यादा क्वेश्चंस द प्रेसिडेंट से नहीं बनते, लेकिन मेन स्पेस पे काफी ज्यादा, सॉरी प्री मेंस में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो द प्रेसिडेंट है वो हमारा आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक है। सबसे पहले कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हम लोग उसे देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड द गवर्नर एट द स्टेट लेवल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द हेड ऑफ द स्टेट इन हुज नेम द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड बट हु डू नॉट एक्सरसाइज देम। देखो, इनके नाम पे सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव जो भी होता है स्टेट में वो इनके नाम पर होता है, लेकिन ये उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द नॉमिनल और टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव। इन्हें देखो, जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, हमेशा हमारा नॉमिनल हेड होता है। आपसे प्री में पूछ लिया जाएगा कि नॉमिनल हेड कौन होता है, नॉमिनल या टिट्यूलर हेड कौन होता है, तो वो हमेशा हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 53 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम। जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स इनमें वेस्ट होती हैं यूनियन की, और या तो ये खुद एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्टली, या फिर ये अपने जो है उन कुछ ऑफिसर्स को देते हैं काम, वो या तो एक्सरसाइज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे पूछा गया है प्री में कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है। देन ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजिशन अंडर द वॉरंट ऑफ प्रेसिडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के, एंड जो है फर्स्ट पोजिशन ये एक्वायर करते हैं या ऑक्यूपाई करते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने होते हैं वो हमेशा इन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। हर जगह लिखा होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 52 पे। तो आर्टिकल 52 में सीधी सी बात लिखी है दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी हेडिंग है, और उसमें लिखा है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में प्रेसिडेंट होगा ही, इनकी सीट कभी भी वेकेंट नहीं होगी। आर्टिकल 53 सेज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। वही चीज अभी हम लोग यहां पर हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज आर्टिकल 53 में लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट में वेस्ट करता है, या तो डायरेक्टली या तो ऑफिसर्स को सबॉर्डिनेट, उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनको। सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। नाउ आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, अब ये कई बार पूछा गया है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, कौन ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो वोट नहीं कर सकते, तो वो भी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो वोट नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। कई बार पूछा गया है कि कौन से कॉलेज से होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, ठीक। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है वो देख लेते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ध्यान दो, क्या चीज कॉमन है, इलेक्टेड मेंबर्स, हर जगह इलेक्टेड मेंबर्स ही लिखा हुआ है। तो जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी वोट नहीं करते हैं। तो ये वही मेंबर्स होते हैं जो वोट नहीं कर सकते। अगर जो है आपके प्री में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि कई बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे मेंबर्स होते हैं जो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अभी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। कमिंग बैक टू द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट है, द प्रोविजन वॉज एडेड बाय द 70th Constitutional Amendment Act 1992. The nomination of a candidate for election to the office of president must be subscribed by at least
50 इलेक्टर्स होने चाहिए एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स. ठीक है, 50 इलेक्टर्स कितने होने चाहिए एज प्रपोजर्स होने चाहिए और 85 इलेक्टर जो है सेकेंडर्स होने चाहिए. एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रुपीज 15,000 इन द आरबीआई विच इज लाइबल टू बी फोरफिटेड इन द केस द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड. देखो ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं. आपको ये याद रखना है कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए. ये सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो है डाल दिया, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इनके इलेक्शन में. सो द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो नहीं कर सकते. द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट नहीं कर सकते. द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी नहीं कर सकते. मतलब इलेक्टेड मेंबर्स कर सकते हैं तीनों जगह के, लेकिन इनके नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते. ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है. ठीक है, कि कौन जो है मतलब इनका इनका ऑप्शन दे करके पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वोट नहीं कर सकते हैं. तो ये आप याद रखें कि जो सारे मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो वोट नहीं कर सकते. फिर आते हैं आर्टिकल 55 पे. तो आर्टिकल 55 बेसिकली बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन होगा. सो इलेक्शन सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो होता है किस तरीके से होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट. इसमें इतना पढ़ लो काफी है. फिर उसके बाद आर्टिकल 56. अब ये इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितना टर्म के लिए जो है प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करते हैं. सो द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. जिस दिन से उन्होंने ऑफिस में एंट्री मारी उस दिन से 5 साल तक. ठीक, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही शैल कंटिन्यू इन द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर्स एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. मान लो कि 5 साल एक्सपायर हो गए, ठीक है, लेकिन वो तब तक उस ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उनका सक्सेसर यानी कि जो दूसरा प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया जब तक कि वो नहीं आ जाते. तब तक मान लो 5 साल 1 महीना हो गया, तो वो जो ये जो 1 महीना आगे बढ़ा है ना, ये तब तक जो है उस ऑफिस में रहेंगे. क्यों? क्योंकि अभी सक्सेसर नहीं आया है और वो सीट जो है हम वेकेंट नहीं छोड़ सकते. इसलिए ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. री इलेक्शन हो सकता है हमारे प्रेसिडेंट का, ठीक है, जितनी बार भी वो चाहें वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. द प्रेसिडेंट में हाउएवर रिजाइन हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट. अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो वो रिजाइन जब भी करेंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट को बताते हैं. फर्दर ही मे प्रोसी सॉरी ही मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 1000 times ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिर्फ एक ही वजह होती है, हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही वजह होती है कि जो है इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट, जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो तो. ठीक है, तो सिर्फ एक ही वजह होती है जब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देते हैं, मतलब जब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं. तो ये बात याद रखना, ओनली इन वन केस व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी विल बी कमिंग टू आर्टिकल 57. मैंने आप लोगों को पहले बता दिया एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के बारे में बताया, तो इसमें सीधी सीधी बात यही है कि ही शैल बी एलिजिबल, एलिजिबल होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी आगे पढ़ चुके हैं पहले कि वो जो है एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए जितनी बार भी चाहे, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन. अब भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. सो ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, होना ही चाहिए ऑब्वियसली. ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, 35 साल की एज जिसने कंप्लीट कर ली है वही इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के. ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो ना होल्ड कर रहे हो और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, he must be qualified for election as a member of the House of People, that is Lok Sabha. उन्होंने जो है qualify किया होना चाहिए as a member of Lok Sabha. तो क्या है, citizen of India होना चाहिए, 35 साल की age जो है complete होनी चाहिए, कोई office of profit ना hold कर रहे हो under the government of India, और he must be qualified as a member of Lok Sabha.
फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल 59 पे. अब आर्टिकल 59 क्या कहता है? आर्टिकल 59 कहता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस क्या है. प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर एंड इफ ही और शी इज he or she shall be deemed to have vacated his or her seat in that house on the date on which he enters upon his office as president. जब वो एंटर किए ऑफिस में, तो अगर वो कभी थे भी मेंबर, तो उन्हें यही मान लिया जाएगा कि वो अब मेंबर नहीं रहे. पहली बात तो कि मेंबर होना ही नहीं चाहिए, और जिस दिन अगर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर कर गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब वो मेंबर नहीं रहेंगे, ऐसा मान लिया जाएगा दैट ही वॉज नॉट ए मेंबर. He is entitled without payment of rent to the use of his official residence. भाई उन्हें एक घर मिलता है बढ़िया सा, कोई रेंट वेंट देने की जरूरत नहीं है. He is also entitled to such emolument and allowance and privileges as may be determined by Parliament by law. जिस तरीके से Parliament बताएगी उन्हें privileges मिलते रहेंगे. He enjoys personal immunity under Article 367 from legal liability of his official acts of commission and omission. Along with that shield, the acts done outside the provisions of the constitution. इन्हें इम्यूनिटी मिलती है अंडर आर्टिकल 361 किसी भी तरीके की लीगल लाइबिलिटी से, जो भी उन्होंने ऑफिशियल एक्ट किए हैं उसके लिए, मतलब उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा. ठीक है. He is immune from any criminal proceedings during his term of office. किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से वो उनको इम्यून किया जाता है. अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही, तो इट विल बी इम्यून जब तक वो ऑफिस, मतलब कि 5 साल तक के टर्म में. ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंड. वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते, उनको इम्प्रिजेंड नहीं किया जा सकता. हाउएवर सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम. देखो, सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, क्रिमिनल नहीं हो सकती है. ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ हिज पर्सनल एक्ट आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स नोटिस. लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर सिविल प्रोसीडिंग चलानी है आपको प्रेसिडेंट के खिलाफ, 2 महीने का नोटिस देना होगा. ठीक है. The emolument and allowance of the president cannot be diminished during his term of office. तो ये जो है उसको diminish नहीं किया जाएगा जब तक उनका term of office है. Article 60 oath of president के बारे में बात करता है. एक important चीज इसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि oath किसके presence में लेते हैं. तो Chief Justice of India CJI के presence में लेते हैं. ये question भी important है. देखो, प्री में तो हर चीज पूछी जाती है. प्री में तो आपको बेयर एक्ट का कवर टू कवर आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेयर एक्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वाले चैप्टर से, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस वाले आर्टिकल से लेकर के 62 तक, जो कि आते ही आते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं सही कह रही थी. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए, इन्हीं सबसे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नाउ आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. इससे देखो सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, देख लेना, शायद हो सकता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर वो मेरा सा एनालिसिस हिल जाए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि जो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, दैट इज ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो इससे और बनते हैं, बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि कौन से ऐसे बेसिस पर जो है, कोई कौन से ऐसे एक बेसिस है जिस पे हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. तो अगर उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. According to Article 61, the President can be removed from his office before the expiry of his term by the process of impeachment. भाई हटा दो, उनके office से उनको remove किया जा सकता है expiry of term होने से पहले. He can be impeached only on the grounds of violation of the Constitution. Only लिखा है, ध्यान रखो, Constitution का violation किया है अगर, तो ही ऐसा हो सकता है, और किसी भी ground पर आप उनको हटा नहीं सकते. अपने आप से तो आप उन्हें नहीं हटा सकते, वो खुद से resign करें तो बात अलग है, आप उन्हें impeach नहीं कर सकते. However, the Constitution does not define the meaning of the phrase violation of the Constitution. Violation of Constitution ये है क्या? ये बात तो Constitution में भी define नहीं कर रखी. The power of impeachment of the President vested in the Parliament. ये जो impeachment का process है, मतलब ये जो power किसको दे रखी है? Parliament को ये power दे रखी है. It is a quasi-judicial process. All the elected and nominated members of the Parliament take part in the impeachment process. जो भी elected और nominated members होते हैं Parliament के, वो impeachment process में part लेते हैं. Members of the state legislature do not participate in the impeachment process of the parliament. जो भी state legislature के members हैं वो participate नहीं करते हैं. It can be initiated in the either house of the parliament. किसी भी parliament के house में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, कहीं पर भी आप इसे initiate कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. The charge must come in the form of a proposal contained in the resolution.
देखो ये जो चार्ज है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है प्रेसिडेंट ने, जो चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है, ये एक फॉर्म के प्रपोजल में आता है, मतलब एक प्रपोजल के फॉर्म में आता है, एक रेजोल्यूशन के अंदर कंटेन होता है, विच मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जिसको जो है एटलीस्ट 1/4 नंबर ऑफ पीपल ने, तो मतलब टोटल मेंबरशिप जितनी है उसमें से 1/4 लोगों ने साइन किया होना चाहिए कि हाँ भाई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है. बिफोर दैट हाउस पासिस द रेजोल्यूशन अ 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, जब रेजोल्यूशन पास करने से पहले क्या होता है, 14 दिन की नोटिस दी जाती है किसी, ये एक तरीके से प्रोसेस बता हुआ है क्या प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का. 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये सारी प्रोसीडिंग चल रही है. सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ये जो 2/3 है, 1/4 है, ये सारी चीजें पूछी जाती है. 14 दिन का नोटिस पूछ लिया जाता है कि कितने दिन का नोटिस दिया जाता है. तो रेजोल्यूशन पास जब हो रहा है तो उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए भी मेजोरिटी चाहिए, जो कि 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है टोटल मेंबरशिप से. इट इज देन फॉरवर्डेड टू द अदर हाउस फॉर रिव्यू. देन उसके बाद दूसरे हाउस को भेजी जाती है. देखो किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते, तो जिस हाउस में इनिशिएट किया उसके दूसरे हाउस में उसको रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा. द कंप्लेंट्स लेवल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर इन्वेस्टिगेटेड बाय अ सेलेक्ट कमिटी. एक कमिटी को सेलेक्ट किया जाता है, वो जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या है प्रेसिडेंट के खिलाफ जो ये कंप्लेंट्स है, ये क्या है, सही है झूठ है, जो भी सारी बात है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑथराइज्ड लॉयर थ्रू द प्रोसेस. भाई अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी तो राइट है कि उनको भी रिप्रेजेंट करे कोई ना कोई लॉयर, तो ये राइट उनके पास होता है. ही हैज द ऑप्शन ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ और अपॉइंटिंग अ पर्सन लॉयर और द इंडियन अटॉर्नी जनरल टू डू सो. देखो वो चाहे तो खुद का लॉयर अपॉइंट कर ले या फिर तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, खुद को डिफेंड करने के लिए. इफ द अदर हाउस पासेस द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, और अगर दूसरे हाउस ने भी जो है 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, सेलेक्ट कमिटी ने भाई इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद जो है दूसरे हाउस ने भी 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया रेजोल्यूशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टैंड्स इम्पीच्ड. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है. आर्टिकल 62, दो बातें हैं इसमें जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. देखो इसमें यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है, अगर एक प्रेसिडेंट हट गया है तो दूसरा प्रेसिडेंट कब एंटर करेगा उसका ऑफिस, या दूसरे प्रेसिडेंट को हम कब अपॉइंट करेंगे, कब शुरू होगी उसके अपॉइंटमेंट की सारी दिक्कतें, मतलब सॉरी सारा प्रोसेस. तो अगर तो एक्सपायरेशन हो गया, सीधी सीधे अगर 5 साल उसके खत्म हो गए एक प्रेसिडेंट के, तो वो 5 साल खत्म होने से पहले ही आप एक दूसरा प्रेसिडेंट जो है वो तैयार रखिए, एक न्यू प्रेसिडेंट जो है आप तैयार रखिए भाई, क्योंकि हम सीट उस सीट को ज्यादा दिन तक हम वेकेंट नहीं छोड़ सकते. तो इसलिए आप जो है उनका टर्म, आपको पता है कि 5 साल हो गया इनका टर्म एक्सपायर होने वाला है, तो एक नया प्रेसिडेंट जो है तैयार रखना है, ठीक. फिर डेथ, रिमूवल या रेजिग्नेशन हो गया, उनकी डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, उनको रिमूव कर दिया गया, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जब से वैकेंसी हुई, जब से वो उनकी सीट वेकेंट हुई है, तब से लेकर के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको नया प्रेसिडेंट जो है वो ढूंढ के लाना है या अपॉइंट करना है, ठीक है. तो ये था हमारा प्रेसिडेंट का सारा खेल, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक था. आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, और यही सब जो है आपके प्री में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है. इसके बाहर से आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एक बार जरूर से चेक कर लिया करिए, और जो भी टॉपिक आप पढ़ें, जिस दिन टॉपिक पढ़ें उसी दिन जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, जो आपका टॉपिक है वो पक्का हो जाएगा, दोबारा कभी डाउट नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि एक बार लगा लिया तो दोबारा कभी क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑफकोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, बट एक बार जब टॉपिक पक्का हो जाएगा तो आप कभी भी फिर उसको लगाएंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है. तो कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.